हाथ में हथियार और चेहरे पर टशन, यह है प्रतापगढ़ से बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष, जिन्हें असले का शौक लग गया है। इस शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने हाथों में राइफल उठा ली और बीच सड़क पर खड़े होकर फोटो शूट करवा लिया। फोटो के साथ एक हरियाणवी गाना बैकग्राउंड में भी लगा दिया। इस वीडियो को खुद पिंकी दयाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे पोस्ट किया तो यूजर भी एक्टिव हो गए और तरह तरह के कमेंट करने लगे। इन्हीं में एक कमेंट प्रतापगढ़ के एकमात्र विधायक राजेंद्र मौर्य की आईडी से भी आगाह करते हुए आया कि बहू जरा देख कर। जिसका पिंकी ने जवाब दिया, ठीक है काका। इस पोस्ट के बाद फेसबुक यूजर भी तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इस पोस्ट को सत्ता की हनक कह रहा है तो कोई कह रहा है कि किसी और की पोस्ट होती तो अब तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया होता। ऐसा देखा गया कि युवाओं में असले के साथ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का बड़ा शौक है। इस चक्कर में तमाम युवाओं और किशोरों ने हथियारों के साथ रील भी पोस्ट की है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन सभी को जेल भी भेजा है। अब बीजेपी की इस महिला नेता को भी असले के साथ रील का शौक लग गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस रील पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। क्या आम युवाओं की तरह पुलिस पिंकी दयाल पर भी मुकदमा करेगी या इन्हें सत्ता का नेता होने का लाभ मिलेगा और पुलिस इसे नजरअंदाज कर देगी, फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि कानून है कि किसी का हथियार कोई दूसरा शख्स नहीं ले सकता। लाइसेंस धारक भी खुद अपने हथियार को प्रदर्शित नहीं कर सकता, जबकि यहां तो पिंकी दयाल अकेले ही राइफल लेकर बीच सड़क पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं।